तो क्या आप जानते हैं कि सितंबर 2019 से भी पहले चाइना को कोरोना की जानकारी थी? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये बात है 18 सितंबर 2019 की, जब चाइना के एक विमान में बहुत सारे यात्रियों में से एक यात्री को अचानक से सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उस प्लेन को तुरंत इमरजेंसी लैंड किया गया और कुछ डॉक्टर्स को उसकी ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। जब ये डॉक्टर्स वहाँ गए तो नॉर्मल वे में नहीं गए, मतलब जैसे आमतौर पर जाते हैं वैसे नहीं, बल्कि वे गए तो पीपीई किट्स और बहुत सारे किट्स के साथ गए। तो इसका मतलब क्या हम ये माने कि चाइना को पहले से ही सब कुछ पता था, कोरोना के बारे में सारी जानकारी थी, उसके सिम्टम्स के बारे में, उसके लक्षण के बारे में और उससे कैसे निजात पाया जाए उसके बारे में भी सब कुछ पता था? और अगर हाँ, तो इस जानकारी को क्यों छुपाया गया पूरी दुनिया से? वहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम भी जोरों शोरों से चालू हो गया और जब रिपोर्ट्स आई उस आदमी की जिसे सांस लेने में दिक्कत थी, तो पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव था। जब सरकार से इसके बारे में पूछा गया तो सरकार ने इस बात पर तुरंत इनकार करते हुए कहा कि ये बातें अफवाह हैं। लेकिन वहाँ सैनिटाइजेशन का काम, साफ सफाई का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। तो क्या इसका मतलब हम लोग यही समझ लेना कि चाइना अपने आप को तो कोरोना से बचाना चाहता था, लेकिन वो दुनिया के सामने कोरोना के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था? अक्टूबर में जब वहाँ पे एथलेटिक्स का माहौल जम पड़ा था, कहाँ पर? वुहान में। जी हाँ, वही वुहान जहाँ से कोरोना फैला है। वहाँ पर 140 देश से एथलीट्स आए थे एथलेटिक्स के लिए। वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर दूर तक नहीं थी, आप देख सकते हैं जैसे। वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हुई, लेकिन सारी दुनिया उस बात से बेखबर थी कि कोरोना नामक एक वायरस पूरी दुनिया को तबाह करने वाला है। चाइना को अगर इसके बारे में सब कुछ जानकारी थी तो वो पहले ही उन देशों को रोक सकता था वुहान में आने से, पर चाइना ने ऐसा नहीं किया। तो क्या चाइना चाहता था कि ये वायरस दूर दूर तक हर देशों में फैल जाए? और अगर हाँ, तो चाइना ने ये बहुत गलत किया। वहाँ पर फ्रांस की एक एथलीट ने बताया कि जब वे वहाँ गई थी तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उनकी दोस्त की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके वजह से वो वहाँ खेल भी नहीं पाई थी। वहाँ फ्रांस में बताया गया कि एक मछुआरे को कोरोना आया था, मीन्स कोरोना पॉजिटिव था वो। सबसे पहले जब फ्रांस में कोई भी केस नहीं था तो सबसे पहले वही था, लेकिन बाद में पता चला कि वो मछुआरे की जो पत्नी थी वो एयरपोर्ट पर ही काम करती थी और वहीं पर कुछ एथलीट्स आए थे। तो इसका मतलब है कि सारी बातें चाइना को पता था। चाइना ने WHO से भी बहुत सारी बातें छुपाई, जैसे कि स्टार्टिंग में चाइना ने ये बताया कि कोरोना वायरस एक मामूली सी बीमारी है, एक कफ कोल्ड है और इससे जान नहीं जाती और ये इंसान से इंसान में भी नहीं फैलता। WHO को तो बहुत सारी बातें झूठ बताई चाइना ने, और चाइना ने बहुत सारी बातें गलत भी बताई। चाइना कह रहा है कि उसे कोरोना के बारे में दिसंबर 2019 में पता चला, लेकिन क्या ये सारी सबूतें गलत थी? और अगर पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो अंडरगारमेंट से बना हुआ मास्क चाइना ने पाकिस्तान को भेजा। तो क्या चाइना ने पाकिस्तान के साथ सही किया, हाँ या ना? ये तो मुझे नहीं पता, पर ये ज़रूर पता है कि जाते जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करेंगे।